बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया वालों के लिए एक खबर है, अगर इंडिया में से किसी ने भी नेशनलिटी ली हुई है अमेरिका की, यूएसए की, और पहले तो अभी ये था, अभी कल तक तो ये था कि आपके पास यूएसए का अगर पासपोर्ट है, चाहे आप इंडियन हैं, तो आपको ऑन अराइवल जो है आपको वीज़ा मिल जाता था, वीज़ा स्पेशल एम्बेसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब उन्होंने कहा कि इंडिया ने जो नेशनलिटी अमेरिका की ली हुई है जिन्होंने, अब उनको ऑन अराइवल जो है वीज़ा नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो है आपको बताते चलें कि बहुत सी अपडेट्स आ रही हैं। अजमान ने जो है वो अजमान में कोफो पेट्रोल कंपनी है, वो 100 ख़ानदानों को फ्री पेट्रोल देगी 2 दिन के लिए, जितना मर्जी आप पेट्रोल लें। तो कोफो के ऑफिस में फ़ोन करें हेल्पलाइन में कि कब से शुरू कर रहे हैं, ताकि आप इस मौके से फ़ायदा उठा सकें। पिछले साल भी उन्होंने ये ऑफर दी थी 2 हफ्ते तक, वो बहुत से लोगों को एम्बुलेंस को बहुत फ़ायदा हुआ था। और ओमान ने जो है वो वीज़ा आपको पता है वो इशू करना शुरू कर दिया है, देना शुरू कर दिया है, लेकिन जो कोरोना की जो सूरत हाल है, कोरोना का उन्होंने कहा टेस्ट जो है वो 96 घंटे से पुराना ना हो। उसके अलावा आपको बताते चले, दुबई हुकूमत ने कहा है कि जिन लोगों के वीज़े एक्सपायर हो गए थे, जिनके वीज़े रेजिडेंट परमिट एक्सपायर हो गए थे, उनका जो है वो सिस्टम 20 अप्रैल से लेके 9 नवम्बर तक जो है वो अब 9 नवंबर तक जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हैं यूएई, लेकिन उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी पड़ेगी जीटीआरएफ से। उसके अलावा आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा क्यूआर कोड के साथ, फिर आपको एक टेस्ट और कराना पड़ेगा जो आपको एयरपोर्ट में पीसीआर रैपिड टेस्ट किया जाएगा। पहले प्रॉब्लम चल रही थी, अब जो है पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्टों पर पीसीआर रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। तो बहर बड़ी ज़बरदस्त अपडेट थी, मैंने कहा आपसे शेयर करो, अपना ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें।